नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में, और हम फिर से हाजिर हैं एक और नए इंटरव्यू के साथ। हमने हाल ही में हुए घटनाक्रम पे वसीम रिजवी जी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं हमारे सवालों पे वसीम रिजवी जी के जवाब। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मैं ज्यादा तो मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा कि सर कनिका कपूर के लापरवाही से हम अभी ठीक से उभरे ही नहीं थे कि सर इतनी बड़ी लापरवाही तबलीगी जमात ने की है, सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फिल्म एक्ट्रेस थी कनिका कपूर, उसकी अकेले की लापरवाही थी जी सर, और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है जी सर। लेकिन ये सामूहिक लापरवाही की गई है, एक साजिशल लापरवाही की गई है, जबकि ये बात फैल चुकी थी कि बाहर ये हिंदुस्तान से बाहर कोरोना बहुत तेजी से दस्तक दे रहा है और बहुत लोग जो है वो उसकी चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद बाहर के लोगों को बुलाया गया, विजिट वीजे पर आए हैं, इस्लामिक कार्यक्रम करने आ गए, कोई सूचना नहीं, कोई थाने पर यह सूचना नहीं दी गई कि कितने लोग उनके आए हैं, कौन कौन बाहर से आए हैं, कौन कौन बाहर से अगर कोई कहीं आ जाता है तो अगर वो विजिट वीजे से आया आपके प्रोग्राम में, आपका मिलने भी आ गया, तो आपको कम से कम सूचना इस बात को देनी चाहिए कि आपका ये फर्ज बनता था, लेकिन आपसे वो भी नहीं। उसके बाद एकाएक ही लॉकडाउन हो गया तो इनको 23 तारीख को मजबूरन निकलकर एसएचओ को बताना पड़ा कि मेरे क्या इतने लोग छुपे हुए। इससे पहले इन्हीं ने किसी को नहीं बताया, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर इस तरह की तबलीग कर करके कहीं कोई आपस में मेल जोल कम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की मस्जिदों में आप जाइए, जमाते बनाकर जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, यानी कि आप कोरोना बांटने की उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि मोदी जी की तरफ से एकाएक ही लॉकडाउन हो जाएगा, और लॉकडाउन होने की वजह से जब फंस गए तब जाके आपने थाने पे तहरीर दी, ताकि जितनों को आप भेज चुके थे, अब तेलंगाना में जो लोग जाकर मरे जी छह लोग, तो वो लोग पहले जा चुके थे ना, इस तबलीगी जमात निकल के जा चुके थे लॉकडाउन से पहले की यहाँ से जा चुके थे जी सर, वो वहां पर उन्हीं ने कितनों को फैलाया होगा, ये कश्मीर में मरा तो उसने कितनों को फैलाया होगा, तो वो जो लोग यहाँ से जा चुके थे दो ढाई तीन हजार आदमी, वो तो पूरे देश में फैल चुके हैं, जो फंस गए उसके लिए इन्हें फिर मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा कि हमारे क्या इतने लोग, तो ये एक पूरी साजिश करके हिंदुस्तान में हमास को यही कहना है कि हिंदुस्तान में क्योंकि जिहाद के नए नए तरीके ये जिहादी निकालते हैं, ये जो जमात है तबलीगी जमात जी सर, ये हमेशा से खतरनाक जमात रही है, पूरी दुनिया में ये मशहूर है। देखिए, तबलीगी जमात को हम बराबर आतंकी संगठनों की आतंकी जमातों के इसलिए रखते हैं कि दोनों का काम एक है, आतंकी संगठने गोली चलाती हैं, बंदूक चलाना सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन ये तबलीगी जमात उनके लिए लोगों को तैयार करती है, नौजवानों को तैयार करती है। जब आप किसी भी नौजवान की मानसिकता को कट्टरपंथी मानसिकता कर देंगे जी, तो वो खुद ब खुद अगर उसको जाना होगा या उसका कोई लिंक ऐसा मिल जाएगा आतंकी संगठनों से, तो वो वहां खुद ब खुद चला जाएगा क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी होगी। तो ये लोग यही काम करते हैं, जब लड़कों को आप कट्टा बना दोगे तो वो फिर उसकी जहनियत बदल जाएगी, वो हिंदुस्तान में तो रहेंगे लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो अपनी जो कट्टरपंथी मानसिकता उसके तहत उनके चाल चलन हिंदुस्तान के अंदर हो जाएगा। ये इनका खतरनाक काम है, और क्यों ना ये माना जाए कि इन्हीं इसी सोच के चलते कोरोना बीमारी जब दुनिया में फैल चुकी थी जनवरी में, हिंदुस्तान में लोग परेशान हो रहे थे और होली का प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, होली मिलन को कैंसिल किया गया, तो ये सब प्रिकॉशन लिए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि नहीं इतनी डिस्टेंस बनाओ, इतने लोग ना हो, फिर संख्या घटाई गई, मतलब हम धीरे धीरे एहतियात की तरफ बढ़ रहे थे, और आप हजारों लोग भीड़ इकट्ठा करके कह रहे थे नहीं कुछ कोई एहतियात की जरूरत नहीं, यहाँ तक के समझाया जा रहा था डॉक्टरों के पास भी जाने की जरूरत नहीं, यानी कि आप उनमें कोरोना डेवलप कर रहे थे और उसको ये भी समझा रहे थे कि आप डॉक्टरों के पास मत जाओ,
ताकि तुम अपना काम कर पाओ। तो ये तो सीधी सोची समझी एक साजिश। मैंने आज एक तहरीर दी है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जी सर, मौलाना जो इनका मुल्ला मोहम्मद साद है इसके खिलाफ, जी, और उसने महामारी फैलाने का और हत्या कराने के लिए और हत्या के लिए उसकाने के लिए, ये सारी धाराओं के अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज मेल के जरिए दी। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये विरोध का कौन सा तरीका है कि मौलाना साहब का एक बयान आया था कि ये मौका इसका नहीं है कि हम डॉक्टरों के बातों में आकर नमाजें छोड़ दे, मुलाकातें छोड़ दे। सर निजामुद्दीन की दरगाह साइड में ही है उनके, सर वो भी तो बंद कर दी गई थी सरकार के आदेश के बाद, सर फिर भी इन लोगों ने पूरे किए कराए थे, ये मेहनत जो इतनी लोग कर रहे थे, देश के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, उसका सर एक तरीके से पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी सर, वो पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि निजामुद्दीन की दरगाह भी तो थी साइड में, वो भी खुली रख सकते थे वो लोग, लेकिन इन लोगों ने बात मानी। जी सर, जब किसी का मिशन गलत हो, जी सर, राष्ट्र के हित में ना होकर देशद्रोही मिशन हो, जी सर, तो उसका उसका काम करने का तरीका अलग होता है, उसका सोच अलग होती है, उसकी एक्टिविटीज अलग होती है। निजामुद्दीन दरगाह को उन्हीं ने बंद कर दिया क्योंकि वो जिम्मेदार लोग थे। पूरे हिंदुस्तान में दरगाहें, मस्जिदें, इमामबाड़े सब बंद किए गए, हमने भी बंद कराए, लेकिन इन्होंने चालू इसलिए रखा क्योंकि ये एक मिशन के तहत काम कर रहे थे। आप बताओ, एक तरफ महामारी फैल रही है, दुनिया के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये महामारी का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ बचाव है, आप दूसरों के संपर्क में ना आए, यानी कि दुनिया के काबिल से काबिल डॉक्टरों के ये स्टेटमेंट रोज टीवी पे आ रहे थे, हिंदुस्तान के भी बड़े डॉक्टरों के स्टेटमेंट आ रहे थे। जी। उस दौरान अगर एक मुल्ला हजारों की भीड़ जमा करके ये कहता है कि डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, नमाजें एक साथ मिलके पढ़ो, जी, और आपसी भाईचारा बनाए रखो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं होता, कोई आप लोग मेल जोल वैसे ही बना के रखियो, मस्जिदों में नमाज पढ़िए, तो इसका मतलब साफ ये बात हुई कि उसने सारे हिंदू पूरी दुनिया के डॉक्टरों को नकारते हुए अपने मिशन की तरफ बढ़ने का इशारा किया कि मेरा मिशन ये है, आप इसकी तरफ बढ़ो, डॉक्टरों के कहने पर मत चलो। अगर के वो ये कह देते कि डॉक्टरों के कहने पर चलो तो उनका मिशन फेल नहीं हो जाता। जी। तो उन्हीं ने अपने मिशन के तहत तकरीर की, लोगों को समझाया, जब फंसने लगे तब इतनी देर में तो बहुत देर हो चुकी थी, जब फंसते भेजे हुए लोग पहुंच चुके थे, जो बच गए थे थोड़े बहुत उनको निकालना था, उन्हें जो निकाले जो बच गए उनमें से भी देखिए कितने लोगों में कोरोना पाया गया है, क्योंकि बहुत लोगों की जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया ना सर, पूरे हिंदुस्तान को कोरोना की महामारी में ढकेलने की कोशिश की गई है। भाई ये बहुत बड़ी साजिश है, इसमें कम से कम सजाए मौत से कम सजा ही नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें प्रूफ की भी है, आपने सारे नियम तोड़े हैं, लोगों को भकाया है, हत्या कराने की साजिश की है, लोगों को उकसाया है। आप बताइए, आप ये भी तकरीर कर सकते थे कि नहीं नहीं आप लोग जाइए अपने घरों में और नमाजें घरों में पढ़िए, अभी तो नमाजें मत पढ़िए क्योंकि इस वक्त जमा होने का वक्त नहीं है कि कोई ऐसी महामारी फैल गई है जिससे आपको अल्लाह की तौबा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए और डॉक्टरों की बातों का पर ध्यान देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, और जो लॉकडाउन किया गया है आपके फायदे के लिए है, आपको उस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये तो हो गई इस्लाम से जोड़कर वक्ती मुसीबत से निजात दिलाने की बात। जी। अगर आदमी ऐसी बात करता तो वो इस्लाम के दायरे में भी रहती और दुनिया भी दायरे में भी रहती। अच्छा। लेकिन आपने दुनिया भी दायरे को भी खत्म कर दिया, इस्लामिक दायरे को भी खत्म, इस्लाम भी ये नहीं कहता जो वो ये कह रहे थे। जी जी। तो इस्लामिक दायरे को भी खत्म करके, दुनिया भी दायरे को भी खत्म करके, आपने एक साजिश के तहत जो आपका प्लान था कि हमको लोगों में कोरोना डेवलप करके पूरे हिंदुस्तान में फैला देना है, उस प्लान के तहत आपने तकरीर की और तकरीर करने के बाद पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में आपने कोरोना को बांट दिया, और बांट हम यही कहेंगे कि बांट चुके हैं। अब आप सोचो जमात के लोग जो सफर करके केरल पहुंचे हैं, कश्मीर पहुंचे हैं, तो रास्तों में कितने लोगों के तजवे आए होंगे। बिल्कुल। तो कितने लोगों को बांट चुके हैं,
मान लीजिए एक आदमी यहाँ से पहुंच के कश्मीर मर, लेकिन मरने से पहले वो क्या कर गया? छह लोग तेलंगाना में मर गए, छह लोग जो तेलंगाना में मर गए उन्हीं ने क्यों नहीं 6,000 लोगों को फैलाया होगा? उन 6,000 लोगों ने पता नहीं कितने हजार लोगों को फैलाया होगा। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ा कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है और कितनी गंदी साजिश है। इस तरह तो इस्लाम भी आपको सीख नहीं देता। आप इस्लामिक जमात है, आप कहते हैं मैं इस्लाम का प्रचार कर रहा हूं, ये इस्लामिक प्रचार है या महामारी का प्रचार है? ये इस्लामिक प्रचार है या आतंकी प्रचार है? ये इस्लामिक प्रचार है या दुनिया को इंसानों को मौत के मुंह में ढकेलने का प्रचार है? आप क्या कर रहे हो, आप बताओ। बिल्कुल सर, मेरा जो सवाल है, एक है कि अभी कुछ जिनको आइसोलेशन में डाला गया है सर, उनमें से हमें कई जगह से खबरें आई कि एक जगह मौत हो गई सिकंदराबाद में, तो उनके परिवारजनों ने हॉस्पिटल तोड़ दिए, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों से गाली गलौज की गई, उन पर थूका गया, उन पर हमले किए गए। कल खबर आती है रात को कि गाजियाबाद में अर्धनग्न घूम रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। सर ये क्या है सर, ये तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी वाली बात हो गई सर, कि एक तो गलती करो। ऐसे ऐसे लोगों के परिवारों को भी, जिन लोगों ने अस्पताल तोड़ा है जी, और अगर वो जमात से आया था और जमाती था, देखिए वो तो हम उस, वो शख्स जो किसी के संपर्क में आ गया है फॉरनर से या बविदेश से आए हुए ना जानते हुए, तो वो तो बेचारा बेगुनाह है। लेकिन जो लोग एक साजिश के साथ एक सामूहिक रूप में कोरोना फैलाने निकले थे और उनमें का कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं मन और उसके घर वाले अगर अस्पताल तोड़ रहे, तो घर वालों को उठाकर बंद कर दिया, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। क्योंकि मरने वाला तो मर गया, लेकिन जो लोग हैं वो भी वही लोग हैं कि जो जो जिनका वो बाप था या जिनकी वो औलाद थी। ऐसे लोगों के साथ ना जिंदा रहते हुए कोई हमदर्दी रखनी चाहिए, तो मर जाए। मैंने इसीलिए एक बात कही थी जो बहुत बुरी लोगों को लगी थी, लेकिन वो बात फैक्ट थी। मैंने ये कहा था चाहे वो किसी धर्म के फिरके का हो, किसी धर्म का हो, मुसलमानों के किसी फिरके का भी हो, कोरोना जैसी महामारी से अगर मरता है तो उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाए। अच्छा, मैंने ये बात कही थी जी सर, आपका जिस पर मुस्लिम संगठनों ने मेरा बड़ा विरोध किया था। देखिए इंसान जब मरता है, हमारे हिसाब से इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब इंसान मरता है और अल्लाह किया जाता है, तो वो अपने आमाल जो इस दुनिया में उसने गुनाह और जो पाप पुण्य जितने भी किए होते हैं उन सबको लेकर जाता है, उसकी रूह जाती है जी। उसका शरीर इसी दुनिया में छोड़ रह जाता है, और चाहे वो कोई भी धर्म हो जी, कोई भी धर्म हो, उसका शरीर जब मरने के बाद शरीर को नष्ट ही किया जाता है। कुछ अग्नि के जरिए नष्ट करते हैं, कुछ पानी में बहाकर नष्ट करते हैं, कुछ दफन करके नष्ट करते हैं, लेकिन मकसद सबका एक होता है, नष्ट कर देना। शरीर, मरे हुए शरीर को नष्ट कर देना, ये मकसद होता है सब धर्मों का जी। अगर दफनाने से, अब आप सोचिए कि कोरोना हो गया है, छूने से लोगों में कोरोना आ सकता है, उसको गुस्ल देने में कोरोना आ सकता है, उसको दफन करने में जहां पे वो मट्टी को में दफन किया जाएगा वहां की जमीन जो है प्रदूषित हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भर देना है, आप उसको जलवाइए और उसकी जली हुई जो राख होती है, अगर आप मुसलमान है तो वो राख को ले लीजिए और राख को लाकर आप कब्र में दफन कर, ताकि पूरी तरह से कोरोना समाप्त हो जाए। ये हमने एक अपनी ओपिनियन दी थी जिसको पर मेरे खिलाफ बड़े स्टेटमेंट आए, उसको बड़े सुन करके लोगों ने गाली दी, लेकिन हमने वो जनहित में बात की थी। मरे हुए शरीर से किसी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो, नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। मरे हुए शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको सिर्फ नष्ट किया जाना है। अगर मेरा शरीर मरने के बाद किसी भी दूसरे के लिए नुकसान दे साबित हो रहा है, तो फिर दुनिया में किसी भी ऐसे मेथड के साथ में उस शरीर को नष्ट किया जाना चाहिए जिस मेथड से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो मेरा सवाल ये था कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ दिन से हमलों की खबर आ रही है कि उनको भगा भगा के मारा गया है कई जगहों पे, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस वालों को, जो यहाँ से आए हैं वो आइसोलेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सर उनको भगा भगा के मारा जा रहा है उन पर। देखिए जो 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 डॉक्टरों को वो थूकने वाली बात आई है, पुलिस कर्मियों पर ईंटा कुम्मा चलाने की बात आई है जी सर, ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर ही इस वक्त समझ लीजिए अल्लाह की तरफ के फरिश्ते हैं जी सर, तो हमारे आपके लिए निकले हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर जी सर, सर। किसी को पता चल जाए आम आदमी को कि इस महल्ले में या इस घर में कोई कोरोना का पेशेंट है, तो शायद महल्ले के अड़ोस पड़ोस के मकान वाले भी अपने दरवाजे नहीं खोलते, उस घर के करीब नहीं आते, लेकिन डॉक्टर्स पुलिस हमारे उन घरों में जा रही है, उस पेशेंट को ला रही है, उसका ट्रीटमेंट करा रही है जी जी। अपनी जान पर खेल कर जी। लेकिन इस तरह के फरिश्तों पर अगर आप ईटा चलाओगे कुम्मा चलाओगे उनके ऊपर थूकोगे तो तुम उनके ऊपर भी थूक रहे हो, अपनी जात के ऊपर थूक रहे हो, तो वो थूक उनके मुंह पर नहीं तुमने थूकने की करने की कोशिश की, अपनी नस्लों के ऊपर थूका है, अपने मजहब पे थूका है तुमने, वो हरकत की है बहुत घिनौनी हरकत है, इनके खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज होने चाहिए। ये सब तबलीगी जमात के वो स्टेटमेंट है जिसका असर इन लोगों के दिमाग पर अभी तक है सर, क्योंकि पूरा देश एक तरीके से देखे तो 22 तारीख को हमने जनता कर्फ्यू के दौरान ताली थाली बजाकर इन लोगों का स्वागत किया था, और सर ये इस तरीके का इनको, क्योंकि इस वक्त तो वही एक फरिश्ते हैं जो हमें बचा सकते हैं, तो उनके साथ करना सर ये तो पूर्ण रूप से गलत है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हुई भी है, जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनमें सुना है कि अरेस्टिंग भी हुई है उनकी और उनके साथ कार्रवाई भी है, मुकदमे भी लिखे गए हैं, और बिल्कुल ऐसे लोगों को तो देखिए बिल्कुल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक देखिए क्राइम दो तरह के होते हैं, वो क्राइम जिसे एक ने किया और दूसरे तक ही सीमित रहा, ये क्राइम होता है, एक वो क्राइम होता है कि हमने किया और हजारों लोग उससे प्रभावित हो गए, तो वो बड़ा क्राइम होता है। तो है कि वो क्राइम किया जा रहा है कि हम कर रहे हैं अकेले हम, और उससे प्रदूषित उससे इफेक्टेड बहुत से लोग हो रहे हैं, हजारों लोग हो रहे हैं जी। तो ये क्राइम बहुत ऐसे लोगों को अगर कि ये मौका आ जाए, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान के अंदर ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसे लोगों को निकाल कर गोली मार देना ही चाहिए, गोली मार देना चाहिए, हमें लोगों की जानें बचानी है। अगर ऐसे लोग रहे और उसके बाद बहुत तेजी से महामारी फैल जाए जैसे बाहर इटली में फैली हुई, हम कहते हैं अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, अल्लाह हम सबको ऊपर वाला ईश्वर भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम लोगों के साथ इस तरह का माहौल कभी ना आए जो इटली और दूसरे शहरों में आया है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो ऐसे लोगों को घरों से निकालकर सड़कों पर गोली मार देना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि इसका विरोध करते हुए वो धर्म को ले आए, सर इसमें धर्म को लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमने देखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में फरीदाबाद जो हरियाणा में आता है इसमें सर सब्जी मंडी कई जगहों पर देखी सर, ये सिर्फ यहाँ बिहार हरियाणा यूपी की बात नहीं है, कई जगहों पर सब्जी मंडियों में ऐसी भीड़ लग गई कि देखने लायक थी सर, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई, उसमें कहां देखने जाएंगे कि कौन से धर्म का था कौन से जात का था, तो सर इसमें धर्म को लाने की आवश्यकता थी तबलीगी जमात के इस कांड में? नहीं देखिए ऐसा है ना कि जो जहां पर लोग एकदम से कर्फ्यू खुला या एकदम से सरकारी की कमी हुई लोग भागे, तो भागते वक्त उन लोगों को वो कोई तबलीगी जमात के लोग नहीं थे, या उसमें अगर कोई भी किसी भी धर्म का हो, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान कुछ भी हो, लेकिन सबको एहतियात करना जब कहा जा रहा है तो एहतियात सबको करनी चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन वो नहीं करेंगे जी, हम फिर बचाव तो कर सकते हैं यार, हमारे पास अमेरिका इटली फ्रांस जैसे साधन नहीं है, और जिनके पास साधन है वो मर रहे हैं बच नहीं रहे, उनके साधन उनके काम नहीं आ रहे, हमारे पास तो साधन भी नहीं है। अगर हम उस स्टेज पर आ गए सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से तो हमारे देश का हाल क्या होगा? बिल्कुल। अरे भाई जब बचोगे तभी तो मुसलमान कहलाओगे, जब बचोगे तभी तो हिंदू कहलाओगे, जब बचोगे तभी तो सिख ईसाई कहलाओगे भाई। बिल्कुल। अगर खुद ख्याल नहीं रखोगे, मजहब तो बात की बात है, कोरोना का कोई मजहब थोड़ी ना है बिल्कुल कि वो मुसलमान है तो हिंदुओं को पकड़ेगा या हिंदू है मुसलमानों को पकड़ेगा, वो तो एक बीमारी है महामारी है सबके लिए,
ख्याल सबको रख रहा है, जो नहीं ख्याल रख रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है, गुनाह कर रहा है सर, मेरा पाप कर रहा है, और जो लोग जाहिर करके कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं। सर मेरा ये कुछ ये सवाल था कि असल में देखा जाए तो तबलीगी जमात के जो एक लापरवाही सामने आई, इसके बाद सर सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर दिया गया, क्या ये सही थी सर? इस वक्त कोरोना से हम लड़ रहे हैं, इसमें धर्म का लाना कोई आवश्यकता थी सर? क्योंकि गलती तो दोनों तरफ से लोग, धर्म को टारगेट नहीं किया गया, जमात वहां पहले भी चल रही थी, जिस वक्त कोरोना की बीमारी आई तो जमातियों को तो कुछ नहीं कहा गया ना। जब उनकी इस तरह की तकरीरें आई, एक तरफ तो देश के डॉक्टर विदेश के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि साहब आपको एहतियात बरतनी है, इसकी कोई बीमारी की दवा नहीं है, हम लोग सब ढूंढ रहे हैं दवा मिली नहीं है, इससे पूरी दुनिया मर सकती है, इतनी खतरनाक बीमारी है, सब कुछ चीजें बताई जा रही है, यूट्यूब पर मौजूद है, टीवी पर फटाफट फटाफट खबरें चल रही है। तो ऐसे मौके पर अगर कि आप इस तरह की जमात के जरिए हरकत हो रही है और वहां पर आप ये समझा रहे हैं कि नहीं, आप बताओ, अब आप इसे धर्म से जोड़ की बात कर रहे हो कि मुसलमानों को उठा लेंगे, मेरा भी मकसद खाली ये नहीं, जो करेगा वो उसको कहा जाएगा, जमाती मुसलमान थे उन्हीं ने ऐसा किया, तो इसलिए मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा, उन जमातियों को कहा जा रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वही तो सर, वो तो कर रहा है, कई लोग ऐसा नहीं कि मुसलमान भी करे, लेकिन जो साजिश करने वाले लोग हैं, अब आप हमारा ये कहना है कि जमातियों को आप मुसलमान मुसलमानों की निगाह से क्यों देख रहे हो, वो तो हैवान है, आप उनको किसी धर्म से मत जोड़िए, वही तो सर, वो मुसलमान नहीं है, जिन्होंने ऐसी हरकत की, जिन्होंने देश को महामारी में धकेलने की कोशिश की, जिन्होंने डॉक्टरों के कहने को ठुकराया, जिन्होंने जिन्होंने साजिश करके कोरोना को फैलाने की कोशिश की, तो उनको आप तबलीगी जमाती कहिए, आप उन्हें तबलीगी हैवान कहिए, आप उन्हें तबलीगी जानवर कहिए, तबलीगी जाहिल कहिए, तो आप हाँ ये है कि वो तो जिस धर्म को मानते हैं कहते हैं कि वो मुसलमान है, तो हम मुसलमान खाचरों को ऐसा नहीं होता, तो इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाए, मान लीजिए ये चीज किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पे हुई होती और वहां का जो उस धर्म का धर्म गुरु है वो ये बात कर रहा होता कि भाई साहब भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से आ गया है कि आप फिर प्रार्थना कीजिए, आप लोग मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में आइए, भीड़ लगा के आइए, किसी की बात मत सुनिए, सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा, यही मर जाइएगा तो स्वर्ग में जाइएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ होता तो हम आप सब मिलकर उनको कह रहे होते, तब आप ये कहते कि साहब हिंदुओं को ही क्यों कहा जा रहा, या क्रिश्चियनों को ही क्यों कहा जा रहा, या सरदारों को ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, हुआ है जमातियों की तरफ से, मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा, जमातियों को कहा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मत ही ये है कि वो मुसलमान है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, इसमें अजीब से अजीब दलीलें दी गई। सर एक मुझे मैसेज आया था, मैं वो मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें ये कहा गया था कि 23 तारीख को लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये कहा गया कि जो लोग जहां हैं वहीं रुक जाए, तो तबलीगी जमात ने गलत क्या किया, वो जहां थे वहीं रुक गए। कई लोग सर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि 23 तारीख को हमने पुलिस को ये सूचना दे दी थी, पुलिस ने खाली क्यों नहीं कराया, पुलिस तो हाथ जोड़ जोड़ के उन्हें कह रहे कि आप खाली कर दीजिए, वो खाली करने को तैयार ही नहीं है, तो पुलिस क्या कर लेगी सर? आप देखिए मैं इस बातों का मैं समझता हूँ कि मैं पहले ही क्वेश्चन का जवाब दे चुका था, लेकिन मैं फिर से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी सर, जो बात कही गई कि लॉकडाउन कर दिया गया, 23 तारीख का कर्फ्यू था पूरे देश का, 24 का लॉकडाउन था, 24 से लॉकडाउन, जो इनके जमाती थे इनका प्रोग्राम पहली मार्च से 15 मार्च तक का था, तो इनके जमाती थे उस दौरान आए थे, इस दौरान होली भी थी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जी
देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके तहत होली के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। बिल्कुल, होली के कार्यक्रम, होली सामूहिक रूप से न खेली जाए, होली के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई पार्टी का नेता कार्यक्रमों में नहीं जाएगा, ये सारी चीजें हुई थी नहीं हुई? हुई थी। तो ये कहां सो रहे थे? इनकी जिम्मेदारी उस वक्त ये बनती थी कि जब जब वक्फ वीक ऑफ मार्च से बात को सीज लिया गया हिंदुस्तान में, जब पेशेंट पाए जाने लगे, तब तब इस चीज को जब कहा गया था तो इनको ये करना चाहिए था कि सब लोगों को जो आए थे अपने दरवाजे, जैसे कि निजामुद्दीन ने बंद किए, आप भी अपने जवाब के दरवाजे बंद कर देते, जो विदेशी आए थे तत्काल वापस कर देते, जो आपके इंडियंस थे उनको भी तत्काल, ट्रेनें भी खुली थी, बसें भी खुली थी, तत्काल भेजकर एक एक 3,000 आदमी, 5,000-7,000 आदमी कहीं पर जमा हो और उसको अगर हमें वापस करके खाली कराना हो तो कितनी दिन, एक से दो दिन, तीन दिन का मौका चाहिए होगा। तो आप आए 23 तारीख को और 23 तारीख को ये आके कह रहे हो कि मेरे पास 1500 अंडर आदमी है, और जबकि आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी, 2000 के ऊपर थे। तो मैं आज 23 तारीख तक 2000 लोग थे, और 2000 लोग बहुत होते हैं, जहां ये कहा जा रहा हो कि 3 लोग एक साथ नहीं होंगे, वहां 2000 लोग थे 23 तारीख तक, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ऐलान था, होली के सम्मेलन कैंसिल हुए थे, नहीं हुए थे, इसी वार्निंग के तहत तो कैंसिल हुए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। कौन सा होली के त्योहारों से कोरोना फैलने की बात सामने आ गई थी? कौन से विदेशी डॉक्टर ने या हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने कहा था कि होली खेलोगे तो कोरोना फैल जाएगा? एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया था। तो अगर हिंदुस्तान के लोग एहतियात के तौर पर अपने धर्मों में इस तरह की तब्दीलियां ला सकते हैं, होली के कार्यक्रम नहीं करेंगे, होली भी ठीक तरीके से जिस तरह से सामूहिक खेली जाती थी नहीं खेली गई, तो आप क्या अलग थे? आप इंसान नहीं थे? आप जानवर थे? आप भेड़िए थे? आपने क्यों नहीं उसको फॉलो किया? आपने क्यों नहीं 2-3 दिन के अंदर उसी दौरान सबको भगा कर ताला क्यों लगाया? 23 तारीख को आप ये कहकर क्यों आए कि मेरे पास 2000 आदमी अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालने की व्यवस्था कराइए? अगर के लॉकडाउन ना होता तो ये 2000 भी वही जमे रहते और धीरे धीरे कोरोना के पेशेंटों को बाहर ट्रांसफर किया जाता रहता और बीमारी को फैलाया जाता रहता। इनका प्लान था नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीतिकरण बहुत ऊपर तक हुआ सर। लोग कह रहे हैं पुलिस की गलती थी, सर पुलिस क्या करेगी? एसएचओ तो देर क्यों उनसे कह रहे हैं ना कि आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन वो एसएचओ की बात ही नहीं मान रहे। एसएचओ देखिए, एसएचओ साहब हाथ जोड़कर भी कह रहे हैं, सख्ती के लहजे से भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं एक बात साफ ये कर दूं कि संविधान के आर्टिकल 20, 29 और 30 का हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी नुकसानदेह है और हिंदुस्तान के लिए भी नुकसान। आपको हर चीज की अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्र रहने के लिए अधिकार दिए गए, स्वतंत्र रूप से अपने मजहब पर कायम रहने के अधिकार दिए गए, लेकिन इतना फायदा आप मत उठाओ कि उन अधिकारों का बार बार हवाला देकर तुम हिंदुस्तान को खतरे में डाल दो, बिल्कुल इंसानों को खतरे में डाल दो। तो इसकी अधिकार तुमको संविधान ने नहीं दिए हैं। तो अब मसला ये है कि वहां पर इतना बड़ा समूह था, पुलिस कैसे लाठी गोली चला जाती थी? फिर सब पुलिस को कहते कि साहब पुलिस ने ना इंसाफी की, पुलिस ने लोगों को खींच खींच कर मारा, पुलिस ने लोगों को उसके साथ ऐसा किया, अंदर घुस के कुरान शरीफ जला दिए, जो जो इल्जाम पर लगाए जाते हैं पुलिस के ऊपर। तो पुलिस तो हमेशा दोहरी तरीके से फंसती है। अगर वो हाथ जोड़कर आपसे कानून पालन कराने की बात करे तो कहा जाएगा पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं की, अगर पुलिस सख्ती से काम करे तो कहा जाएगा पुलिस जालिम हो गई है, ये है पुलिस का असली चेहरा। तो ये सारी दोहरी चीजें हैं। जो मुखालफत जिन्हें करनी है उन्हें मुखालफत करनी है, वो हर बात से मुखालफत का पहलू निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जमात वाले ठीक कर रहे थे, वो गुनाह कर रहे हैं,
और गुनाह का साथ दे रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं और क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। सर हमने अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ वीडियोस देखी तो उसमें कुछ बयानबाजी अजीबोगरीब बयान आए, जिसमें सर कोई कह रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, कोई ये कह रहा है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसको अगर कोरोना हो जाए तो मुझे बताना आके, कोई कहता है कि अगर हम कोरोना के कारण हाथ ना मिलाए तो हम क्या कोरोना के कारण इस्लाम छोड़ देंगे। सर ये अजीबोगरीब बयान पे आपका क्या कहना है? देखिए धार्मिक आस्थाएं, हमको भी कभी किसी चीज से डर लगता है तो मैं भी जल्दी से नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ करना भैया, और मुझसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। ये धर्म से जुड़ी बातें हैं। हम मान लो कहीं किसी हिंदू दोस्त या गए उसके घर में मंदिर है तो हम भी सम्मान से मंदिर के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, तो भगवान का भी सम्मान करते हैं, अपने अपने जिसको हम मजहब को मानते हैं उसको भी फॉलो करते हैं। तो जब आप वो सब कीजिए, आप भाई किसी किया मान लीजिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और गाय मूत्र लोग पीते हैं, अगर वो ये आस्था के साथ में पी रहे कि हमें इससे कुछ नहीं होगा, आप मत पीजिए। आपको किसने कहा है कि आप पीजिए? हम काबे शरीफ का पानी लेकर आते हैं, घरों में आबे जमजम को रखते हैं, जब लोगों हमारे यहाँ कोई बहुत बीमार होता है तो उसके मुंह में इसलिए डाल देते हैं कि शायद बचाए, लेकिन क्या वो उस आबे जमजम पानी पीने से फिर बच जाता है? जिसकी जिंदगी होती है वो बच जाता है और जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है वो अल्लाह के चला जाता है। हम एक पाक पानी को उसके मुंह में डालते हैं। तो ये अपने अपने धर्म की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। कोई गाय मूत्र को पाक बांधकर पीता है तो वो उसकी अपनी आस्था है, उसके धर्म से जुड़ी हुई बात है। वो उसको गाय को माता मानता है, उसके मूत्र को पीता है, उससे शुद्ध करता है, तो वो ठीक है करे। आप क्यों एतराज कर रहे हो? आप नहीं करते ना, आप ना करो। लेकिन किसी के धार्मिक आस्था को जो किसी के लिए नुकसानदेह हो तब तो आप टारगेट कर सकते हो। अगर गाय का मूत्र मान लीजिए आप नहीं पीते, आपको जबरदस्ती पिलाया जा रहा है, आप एतराज कर सकते हो। कोई पी रहा है तो वो अपनी आस्था के हिसाब से पी रहा है, आपको क्या परेशानी है? अब कोई मुसलमान किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को बुलाकर जबरदस्ती मस्जिद में बिठाकर उनका खतना करा दे, कहने मेरा तुमको तो खतना था तुम्हारा करना ही पड़ेगा, तुम खतना करो नमाज पढ़ो, तो ये गलत कर रहे हो आप। किसी के साथ आप अपनी अपनी जो आप अपने धर्म में जिन चीज को फॉलो करते हो उस चीज को किसी दूसरे धर्म के ऊपर लागू नहीं कर सकते, और दूसरे धर्म के लोग अगर वो चीज अपने में फॉलो कर रहे हैं तो उसको आपको गलत कहने का इख्तियार भी नहीं है। वो चाहे हिंदू मुसलमान को कहे या मुसलमान हिंदू को कहे, हम दोनों को कह रहे हैं। लेकिन अब रही बात इस तरह की, जो सवाल आपने पूछा कि गाय के मूत्र से या और दूसरे जो बातें सामने आ रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे कोरोना नहीं फैलेगा, इस तरह की अंधविश्वासों की बातें हो रही हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ लेंगे वजू कर लेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, तो देखिए कोरोना एक महामारी है, वो न धर्म न धर्म की आस्थाएं न धर्म के क्रियाकलापों को देखकर नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से आई भी महामारी नहीं है। मैंने कल भी ये बात कही कि लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने मुसलमानों ने अपनी तकरीर में कहा कि साहब ये अल्लाह की तरफ से आई भी महामारी कब तक बचोगे, इससे बेहतर ये कि मस्जिद में इबादत करो वहीं तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह की तरफ से महामारी नहीं आती, अल्लाह इतना जालिम नहीं है। जिस भगवान ईश्वर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है वो अपने इंसानों से मोहब्बत करता है, उसकी निगाह में हम गुनाहगार हो सकते हैं, मेरा छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया वो गुनाहगार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो महामारी तुम्हारी देन होती है, इंसानों की देन है। चाइना में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये महामारी फैली, कुछ उन्होंने गलतियां की, ये इंसानी गलतियों का नतीजा है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है।
बिल्कुल इससे अपने भगवान ईश्वर ऊपर वाले और जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने दुनिया के हर इंसान को पैदा किया है, आप ये कहो कि उसकी तरफ से आया है तो उसकी तरफ से अच्छाइयां आती है, बुराइयां नहीं आती। बिल्कुल उसकी तरफ से आपके लिए अच्छी बातें आएंगी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब महामारी उसकी तरफ से आई है, ये उसका, ये अपने अपने ईश्वर अपने भगवान जिसको वो समझता है कि उसने हमें पैदा किया, तो ये उसका गलत प्रचार करना। सर आपने जो इस चीज का विरोध किया, ये जो लापरवाही की गई लोगों के द्वारा, तो इस पर आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत लोग आगे आ गए, सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं उससे डरता नहीं, मैं जो बात सही होता हूँ ये झिझक कहता हूँ, क्योंकि मेरी बात उन लोगों के लिए जहर की तरह काम करती है जो जहरीले हैं, और आम लोगों में उस बात का समर्थन होता है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आम लोगों में हमारी बात का समर्थन होता है, जो बात समझ रहे हैं कि वसीम रिजवी जो कह रहे हैं वो इंसानियत के लिए कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। और जो जहरीले होते हैं, जो जिसको जिसका जहर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आदमी ऐसा जहरीला है या ये आदमी गलत कर रहा है, हमारे समाज में ये गलत हो रहा है तो सही होना चाहिए, तो वो हमको बुरा कहते हैं। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं कट्टरपंथी, वो हमको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, हमारी कई बार हत्याएं करने की साजिश भी रच चुके हैं, हमको फोन करके कहते हैं कि अब तुम्हारे इतने दिन बचे हैं, अब तुम मरने वाले हो, लॉकडाउन खत्म होगा तो मार दिए जाओगे, इस तरह के हमको धमकियां भी देते हैं। अब तो हम FIRें भी नहीं कराते, पुलिस को कंप्लेन, अब आदत पड़ गई है। लेकिन मरते मरते हम अपनी इन बातों को जो कि गलत लोग कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, कहता जरूर रहूंगा, क्योंकि सुधरने की जरूरत है इस धर्म के मानने वालों को, सुधरने की जरूरत है। आप अगर सुधरोगे नहीं और इस तरह की बातें करके आप इंसानियत के लिए अगर दुश्मन बन जाओगे, खून खराबे को अगर अपना मजहब समझोगे, आतंकी जो धारणाएं हैं, आतंकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको अगर आप अपना मजहब समझोगे, किसी के साथ भेदभाव को अपना मजहब समझोगे, तो हम ऐसे मजहब को इस्लाम नहीं कहते, उसका हम विरोध करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। सर आखिरी आप संदेश देशवासियों को क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को जी, के लॉकडाउन का पूरी तरह से खुद, ये नहीं कि पुलिस के डंडे आपको उसका पालन कराए, आप खुद पालन करो, खुद सेफ रहो, अपने परिवार को सेफ रखो, अपने महल्ले को सेफ रखो, अपनी जिम्मेदारी इस वक्त खुद हिंदुस्तान के लिए निभाओ, जैसे कि किसी जंग के दौरान एक फौज का जो सिपाही होता है वो बॉर्डर के ऊपर निभा रहा होता है, उस वक्त उसको गोली चलाने का आदेश नहीं होता उसको, क्योंकि वो जंग के मोर्चे पे है, जो वो खुद अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए सही समझता है वो खुद करता है, खुद फैसला लेता है। इस वक्त वो घड़ी है कि आपको खुद फैसला लेना है कि हम अपने देश को कैसे बचाएं, अपने दोस्तों को अपने परिवार को कैसे बचाएं। हमको वही करना चाहिए कि जो हमको गाइडलाइन मिली है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो इस्लामिक प्रचारक जो कह रहे हैं, उसको आप छोड़िए, आप इबादत अपनी कीजिए, आपको मालूम है कि आपके घर में इबादत का क्या क्या तरीके हैं, आप उनको इबादत कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने घरों में पूजा कीजिए, अपने घरों में नमाजें पढ़िए, अपने घरों में सब अपने घरों में, जब तक कि ये महामारी खत्म नहीं हो जाती। ये चीजें हम लोगों को खुद करनी होगी, इसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। मेरी अपील गुजारिश सबसे यही है कि प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचें, इस मुल्क के हर आवाम की जिंदगी के बारे में सोचें, अपनी आबो हवा को दुरुस्त रखिए, परहेज कीजिए और जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमें वक्त दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।